आई और आज मैं आपको लेके चलूंगी फिल्म सिटी मुंबई के टूर पे. एंड आप लोगों को तो पता ही होगा कि इस बार बिग बॉस 13 का सेट भी फिल्म सिटी में ही लगा है. तो आई होप एंड आई विश कि हमें बिग बॉस का सेट भी देखने को मिले. तो लेट्स गो एंड यू कैन फॉलो मी आई नॉट माइंड. गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम टू अंजलीज ब्यूटीफुल स्काई. तो आज हमारे मुंबई में दूसरा दिन है. कल हम लोग गए थे जुहू बीच जहाँ हमने बहुत मजे किए थे. तो जैसे अभी सुबह हुई, अभी भी सोके उठी हूँ मैं. लेट्स सी आज कहाँ जाते हैं. फिल्म सिटी मुंबई यानी कि दादा साहेब फाल्के चित्रनगरी जो कि है गोरेगांव मुंबई में. और इसका बस टूर का प्राइस है 650 रुपीज पर पर्सन और टाइमिंग से आपके सामने है. एंड वी ऑल आर वेटिंग फॉर आवर बस. और हमारी बस आ गई है सितारों से सजी हुई. तो बस में मिले हमें ये टूरिस्ट आई कार्ड्स और टिकट के साथ साथ आपको ये टेस्टी चिप्स के पैकेट्स एंड यस वाटर बॉटल मिलेंगे बिल्कुल फ्री फ्री फ्री. और ये है हमारे टूरिस्ट गाइड जो हमें हमारे फिल्म सिटी टूर के दौरान हमें गाइड करेंगे. तो सबसे पहले हमें देखने को मिला एक शानदार सेट अपकमिंग मूवी गंगूबाई काठियावाड़ी का, जिसको डायरेक्ट कर रहे हैं ग्रेट डायरेक्टर संजय लीला भंसाली और इसमें मेन लीड कर रही हैं आलिया भट्ट. तो इस फिल्म सिटी के अंदर है बहुत सारे रिकॉर्डिंग रूम्स, गार्डन, लेक, स्टूडियो, थिएटर, ग्राउंड्स और बहुत सारे शूटिंग स्पॉट्स. 1977 में स्टेट गवर्नमेंट ने फिल्म सिटी बनाई ताकि फिल्म इंडस्ट्री को और ज़्यादा फैसिलिटीज देके उसे और ज़्यादा ग्रो करने में हेल्प की जा सके. और 2001 में इसका नाम चेंज करके फिल्म इंडस्ट्री के फर्स्ट प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, स्क्रीन राइटर के नाम पे दादा साहेब फाल्के नगर रखा गया. दादा साहेब को फादर ऑफ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री भी कहा जाता है. तो इस फिल्म सिटी के अंदर हर टाइप की शूटिंग लोकेशन अवेलेबल है, फिर वो चाहे मंदिर हो, जेल हो, कोर्ट हो, लेक हो, माउंटेन हो, फाउंटेन हो, विलेज हो, पिकनिक स्पॉट हो, गार्डन हो या फिर यहाँ तक कि आर्टिफिशियल वाटरफॉल भी है यहाँ पर. और दोस्तों यहीं पे लगा है हम सब का फेवरेट द कपिल शर्मा शो का सेट. और ये है ये रिश्ता क्या कहलाता है टीवी सीरियल का सेट. इसी तरह से यहाँ पे बहुत सारे टीवी सीरियल्स के सेट बने हुए हैं गाइज और उनमें शूटिंग चलती रहती है. एंड यस फाइनली गाइज, जिसका मुझे बहुत वेट था, द बिग बॉस 13 का हाउस. यस ये है बिग बॉस 13 का सेट बाहर से, जो कि इस बार लोनावला में नहीं बल्कि फिल्म सिटी मुंबई में लगा हुआ है. बाहर से हम देखेंगे इतना खास नहीं लगेगा. घर, मंच, स्टूडियो, दीवार, सब यहाँ पे बनाया है. 13वां सीजन हर साल लोनावाला में, लेकिन इस साल आपके लेफ्ट साइड. हफ्ते में दो दिन आते हैं, कभी डे में कभी नाइट में. जब शूटिंग है तो जाएंगे. तो गाइस मुझे तो बस बाहर से ही देखने को मिला बिग बॉस 13 का सेट. काश के अंदर जाने को मिलता, बट अंदर से वाओ क्या लगता है वो सेट, बट बाहर से इतना बकवास. बस 3 की बाउंड्रीज है, नथिंग एल्स. और अब हम पहुंच गए हैं फिल्म इंडस्ट्री के आइकॉनिक टेंपल में. और ये टेंपल आपने बहुत सारी मूवीज में और लगभग हर टीवी सीरियल में देखा होगा. बट इस टेंपल की एक बहुत ही ख़ास बात मैं आपको बताना चाहती हूँ गाइस, कि ये टेंपल भी फिल्म इंडस्ट्री की तरह सिर्फ दिखावे का ही है. इस मंदिर के अंदर कोई भी भगवान की मूर्ति नहीं है, बिल्कुल खाली है ये मंदिर. जब भी जिसको शूटिंग करनी होती है तो अपनी थीम के अकॉर्डिंग, अपनी स्टोरी के अकॉर्डिंग अपनी खुद की मूर्ति लाके वो अंदर उसकी स्थापना करते हैं, पूरा सेट बनाते हैं और उसके बाद शूटिंग करते हैं. और अभी भी चल रही है यहाँ पर एक टीवी सीरियल की शूटिंग. और ये वाला स्पॉट भी बहुत सारी मूवीज में यूज हुआ है गाइज. और हमारे गाइड ने हमें बताया कि कहो ना प्यार है मैं इसे न्यूजीलैंड दिखाया गया था. इस वाली रोड पे हुई थी स्त्री मूवी के रात के हॉरर सीन की शूटिंग. और अब हम पहुंच गए हैं एक और फेमस लोकेशन में,
बहुत सारी मूवीज में ये घर यूज हुआ है गाइस, चाहे तो मैरी कॉम, बागबान में अमिताभ जी का घर, सिंगम या फिर कहो ना प्यार है, इसके अलावा और भी तमाम मूवीज में ये घर यूज हुआ है। ओके गाइस, तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ ये घर अंदर से, आपने बहुत सारी मूवीज में देखा होगा ये घर, तो कम अब हम चलते हैं घर के अंदर। क्या ये कुछ भी नहीं, जस्ट वॉल है। आपने बागबान, सिंगम बहुत सी मूवीज में ये घर देखा है जिसको अलग अलग यू नो रूप दिया जाता है, बट अंदर से कुछ भी नहीं है, सिर्फ दीवार है। चलिए अब थोड़ा आगे चलते हैं गाइस। तो जिस भी तरीके की शूटिंग करनी हो या जो भी लोकेशन चाहिए, चाहे वो जंगल का कोई सीन हो या कोई वीरान इलाका या फिर गांव, सब कुछ अवेलेबल है यहाँ पे। निमकी विधायक एक टीवी सीरियल आता है, उसका ये सेट है। देखिए सब कुछ अंदर आर्टिफिशियल बनाया गया है। और अभी हम पहुंच गए हैं एक और टीवी सीरियल के सेट पे, जो कि अभी रेडी हो रहा है। और वाओ क्या सेट बन रहा है, और देखिए कितनी मेहनत करते हैं सारे जो भी पर्दे के पीछे वाले लोग होते हैं, और उसके बाद हमें इतनी सुंदर लोकेशन और इतने अच्छे अच्छे सेट देखने को मिलते हैं। और इससे बाहर से ही है, पीछे कुछ भी नहीं है, दीवार है जस्ट, लेकिन सामने के जितने भी सीन होंगे वो यहाँ पर शूट होंगे। तो गाइस ये था मेरा फिल्म सिटी मुंबई का टूर। तो मुझे तो बहुत मज़ा आया, मुझे फेमस लोकेशंस देखने को मिले, फेमस शूटिंग सेट्स देखने को मिले, एंड यस बिग बॉस का घर भी देखने को मिला। वाओ, इसका तो मुझे बहुत इंतज़ार था। तो यस गाइस, आई होप आपको भी पसंद आया होगा ये वीडियो। सो यस, अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज़। और मैं अंजलि आपसे जल्दी मिलती हूँ न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बी हैप्पी एंड लव योर सेल्फ। Bye.